What do you call a Siberian husky living in Mumbai and trying to bark in Gujarati? Or what do you call a person from Delhi who eats like a bird when in front of people? Okay, I'll make it easier for you. What do you call a cartoon-hating, platypus-faced weirdo from a state neighboring Odisha? No prize for guessing that one, sister. I mean, Didi. Jai Hind. क्या बात है हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद. बंगाल में जाधवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को इसीलिए जेल हो गई क्योंकि उसने ममता बैनर्जी पर एक कार्टून बनाया. बेसिकली ममता दी डजंट लाइक कॉम्पिटिशन. बट हाउ रिडिकुलस इज दिस. अगर किसी को कार्टून बनाने के लिए भी जेल होने लगी तो हम लोग तो सब 800-800 साल के लिए अंदर हो जाएंगे भाई. हाँ, कार्टून बनाने वाले प्रोफेसर को अरेस्ट करते हुए कहा गया कि उन्होंने एक रिस्पेक्टेड पर्सन के खिलाफ साजिश की है. जी हाँ, रिस्पेक्टेड पर्सन के खिलाफ साजिश. आई वुड से इस स्टेटमेंट में कम से कम 3 असम्पशन है जो गलत है. पर ये शायद पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में कि आप किसी के मजाक में कार्टून बनाने पर भी जेल जा सकते हैं. इमेजिन कितना एम्बैरेसिंग होगा उस बंदे के लिए जेल में. मतलब जेलर पूछता होगा, hey! एक को पूछता होगा, hey! तुम जेल किस लिए आए? मैंने ट्रिपल मर्डर किया. hey! तू किस लिए आया? मैंने बहुत बड़ा स्कैम किया था. अरे तू नीचे क्या देख रहा है? तू किस लिए आया इधर? हाँ, मैंने कार्टून बनाया था. जेलर को अटैक आ गया, मर गया उधर. पर लगता है ममता बनर्जी ने स्टेट का नाम वेस्ट बंगाल से बदलकर पश्चिम बोंगो इसीलिए किया था. अब बोंगो को जम के बजा रही है, वो भी पैर में पकड़ के बजा रही है बोंगो. और ममता बनर्जी को कार्टून से दिक्कत है ये हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था. शी ऑलवेज हेटेड प्रकाश करा. इनफैक्ट ममता दीदी कार्टून से इतना डरती है कि अपने राइट हैंड में डेरेक ओब्रायन को बोलती है नॉक करके अंदर आए. बल्कि मैंने सुना है एक बार वीवीएस लक्ष्मण ईडन गार्डन में मैच खेलने गया था तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया. बाद में जब पता चला कि अच्छा ये वीवीएस लक्ष्मण है, हम लोग को लगा वो कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण. तब उसे छोड़ दिया. और जैसा कि हमारे एक फॉलोअर झंडू बाबा ने, झंडू अंडरस्कोर बाबा ने ट्विटर पे कहा है कि ममता दीदी अब जल्दी ही बंगाल में जी टीवी बंद कर देंगी क्योंकि उस पर हिटलर दीदी नाम का शो आता है. और इतना नहीं, ममता दीदी ने स्टेट लाइब्रेरीज में से सारे अंग्रेजी अखबार भी बंद कर दिए. अब वहां सिर्फ उनके पसंद के 4 बांग्ला अखबार आते हैं. आई थिंक शी शुड स्टॉप एट दिस. यू नो, उनको खुद सुबह 5 बजे उठकर अपनी चॉइस के अखबार साइकिल के कैरियर में लगाकर हर बंगाली के घर पे बांटने चाहिए ऐसे. हाँ, ताकि लोग गलती से कुछ और ना पढ़े. एंड देयर इज मोर. उन्होंने स्टेट की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से कार्ल मार्क्स के रेफरेंस निकलवा दिए. उनका कहना था, हमने कार्ल मार्क्स को बोला 4 घंटे में अपना सारा सोशलिज्म रोल बैक करो नहीं तो तुम्हारा छुट्टी. 4 घंटा बाद भी उसने वही रखा है. इतने दाढ़ी वाला आरोगन फूल है, हमने उसको रोल बैक कर दिया. ना चल बे, इट दैट सिंपल. और इस गुस्से भरे फर्स्ट सेगमेंट के बाद अभी बाकी है हाफिज सईद से एक मुलाकात. एक वेरी स्पेशल जू टॉप 5. यू शुड मिस दिस. इनफैक्ट यू शुड मिस एनी ऑफ जय हिंद. और कोलकाता, यस, दीदी लैंड में 4G सिग्नल. छोटे से अंतराल के बाद बजाओ. Welcome back.
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मुंबई की कोस्टलाइन पे वो एक शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाएंगे। शिवाजी महाराज का जो स्टैचू 350 करोड़ में बनना था वो अब 1000 करोड़ में बनेगा। लो कर लो बात। कलमाड़ी को जेल से निकले 2 महीने भी नहीं हुए और यहाँ स्कैम शुरू हो गए। पर अब 1000 करोड़ खर्चा कर ही रहे हो तो लगे हाथ शिवाजी महाराज के स्टैचू के साथ साथ और भी कई फेमस पर्सनालिटीज के स्टैचू भी बनवा दो भाई। फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन स्टैचू, जो बैंड स्टैंड पे बैठे कपल्स की ओर हाथ करके बोलेंगे ये तुम क्या चुम्मा चाटी कर रहे हो भाई। सचिन तेंदुलकर स्टैचू, सिर्फ इसलिए कि जब भी विनोद कामली उसके आगे से निकले वो रोना शुरू कर दे। शरद पवार स्टैचू, जिनके पैरों के नीचे मरे हुए फार्मर्स के स्टैचू होंगे और जिसके नीचे हर टाइम 4 सरदार उछल उछल के उनको थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे हैं। और शौर पर रीसेंट रिपोर्ट से पता चला है कि इंडियन आर्मी के पास टैंक के लिए शेल्स नहीं है। जी हाँ, पूरी इंडियन आर्मी के किसी भी टैंक में गोले नहीं है। इसे क्या फर्क पड़ता है? अब ऐसे भी रशियन गोले पाकिस्तान की तरफ पॉइंट करो तो साले बांग्लादेश में जाकर गिरते हैं। मुझे लेकिन समझ में नहीं आता पूरी आर्मी के टैंक में शेल ऐसे कैसे खत्म हो सकते हैं। कोई मिर्ची कांदा कोथिंबीर है क्या? सुबह सुबह बीवी उठ कर अरे चमा आएगा कांदा संपले चलो चलो कांदा लाने चलते बाजार। और अगर खत्म हो भी गया तो मीडिया में चीख के बोलने की क्या जरूरत है? मतलब मिसाल के तौर पर आपके घर में अगर चीनी खत्म हो जाती है तो क्या पूरे मोहल्ले में जाके एक एक को बोल दोगे भाई भाई आज चीनी खत्म हो गया चाइनी में हुआ भाई। ईरान गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो इंटरनेट बैन कर रहे हैं। हेलो हेलो, नॉट जस्ट 1 or 2 वेबसाइट्स बट द एंटायर इंटरनेट। पर्सनली आई वॉज वेरी सरप्राइज, किसे पता भी था ईरान में इंटरनेट है? बट आई लाइक दिस आइडिया, पूरा इंटरनेट बंद करने का। इट्स लाइक किसी दिन दाल में कंकर आ जाए तो ईरान सरकार बोलेगी तो कल से देश में कोई खाना नहीं खाएगा, खाली ऑक्सीजन लो और पानी पियो, और अगर किसी को ऑक्सीजन क्वालिटी में भी कोई शिकायत है तो साला वो भी मत लो, समझ गए? Go back to making nuclear missiles. Hur, hur, hit, hit. More important work. Go. पर ईरानियन गवर्नमेंट अब इंटरनेट को एक नेशनल इंटरनेट से रिप्लेस कर रही है जिसपे सब सेंसिटिव कंटेंट ब्लॉक्ड होगा। एक मिनट, कपिल सिब्बल साहब ने ईरान सरकार कब से ज्वाइन कर लिया? दिस इज व्हाट आई कॉल क्लैश ऑफ सिबलाइजेशन। कराची के जू में एक डियर यानी कि हिरन की मौत हो गई है ड्यू टू एक्सेसिव ह्यूमन मेटिंग। जी हाँ, एक्सेसिव ह्यूमन मेटिंग। द लास्ट टाइम वी सॉ एन एग्जाम्पल ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सेसिव ह्यूमन मेटिंग वॉज नरगिस फाकरी इन द मूवी रॉकस्टार। बट सीरियसली, पाकिस्तान में क्या इतने बुरे हालात हो गए कि जानवर जू में भी सुरक्षित नहीं है? इनफैक्ट मुझे अब लगने लगा है कि उन्होंने जू में पिंजरा इसीलिए लगा लिया है ताकि मेटिंग के टाइम कोई और उन्हें पकड़ ना ले। टू बी ऑनेस्ट, हाउएवर, यू हैव टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द मैन हु अटेम्प्टेड दिस विद अ डियर। हिरन की स्पीड पे भाग के उसने सक्सेसफुली पकड़ के उसके बीच में अपना पजामा उतारना, उन्हें तो यार पाकिस्तान की ओलंपिक टीम में होना चाहिए। इतना तेज तो हमारा पानसिंह तोमर भी नहीं भागता। That's it, इंडियंस भी जू में कई तरह के खिलवाड़ करते हैं, इसीलिए जय हिंद आपके लिए लाया है द टॉप 5 फन फैक्ट्स अबाउट जूज इन इंडिया। नंबर 1, इंडियंस को जू में जानवरों को खाना खिलाना बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल टॉफी के रैपर, चिप्स पैकेट के रैपर, मूंगफली के पैकेट के रैपर, अपने बच्चों के हाथ। नंबर 2, इंडियंस को चिंपैंजीज के पिंजरे के बाहर जाके साइमंड्स बोलने में बहुत खुशी होती है। पता नहीं,
नंबर तीन, अगर जू में बच्चे को सुसु आया तो इंडियंस को उसे डक पॉन्ड में सुसु करवाने से कोई हिचकिचाट नहीं। वैसे भी पानी इतना गंदा होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता, बल्कि डक्स खुश हो जाती है, अरे वाह फ्रेश वाटर आया बहुत दिनों बाद। नंबर चार, इंडियन जूज में हाथी डिप्रेस रहते हैं क्योंकि उनके बाकी हाथियों की तरह बीच रोड में घूम के ट्रैफिक जैम करने को नहीं मिलता। और टाइगर्स इमोशनल ब्रेकडाउन के कगार पे रहते हैं क्योंकि इतने दिनों से प्रॉमिस करने के बावजूद अभी तक धोनी उनको मिलने को नहीं आया। नंबर पांच, इंडियन जूज में एक पिंजरे में 10 जानवर देखकर मुंबई वालों को बड़ी जलन होती है और कहते हैं साला इससे आधी स्पेस में तो हम लोग 20 लोग रहते हैं। एक और शख्स जो आजकल न्यूज में है, टेररिस्ट मास्टरमाइंड हाफिज सईद, हाफिज सईद हाँ, जिसका मतलब ऐसा कहा जाता है कि 26/11 अटैक में इसी का हाथ था। उस पर यूएस सरकार ने अब $10 मिलियन का इनाम रखा और इस पर आसिफ अली जरदारी ने यूएस को कहा नहीं मुझे पता है आप लोग बड़े चालू हो, हम उसे पकड़ लेंगे, आपको थमा देंगे, इनाम मांगेंगे तो आप बोलोगे वो जो हमने $100 बिलियन का लोन दिया था उसमें ये एडजस्ट हो गया। वैसे खबर है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में खुला घूम रहा, बल्कि पाकिस्तानियों ने तो कहा है कि यार पकड़ने का इनाम छोड़ो यार, आप तो बस हमें हाफिज सईद को सब्जी मंडी में स्पॉट करने के $10 दे दो, बस वही काफी है। हाँ उसी में खुश है, हमने टिंडे आलू सब लेते हुए दिखाई देता कई बार। पर हाफिज सईद इस सुपारी से मतलब कितना खुश है कितना नाखुश है, उस पर क्या असर हुआ है, इसके बारे में बात करने सीधे चलते हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन टेलीविजन, हाफिज सईद। हाफिज, क्या ये तुम्हारे खिलाफ ये यूएस गवर्नमेंट ने $10 मिलियन का जो इनाम रखा है, क्या कहना है तुम्हारे इसके बारे में? सुमित, मैं इस बात से बड़ा ही खुश हूँ। मैं पर्सनली स्पीकिंग आई विश कि यूएस नेवी सील्स जैसे ओसामा के घर घुस गई थी वैसे मेरे घर का दरवाजा तोड़ के मुझे कहीं दूर ले जाए। क्यों क्यों ले जाओ, क्यों ससुराल है? हाँ सुमित, पिछली बार जब यूएसए ने सदाम को पकड़ा था तो एटलीस्ट उसे एक बढ़िया डेंटल चेकअप तो मिला था। यहाँ तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि मैं परसों दांत क्लीनिंग करवाने गया था तो डॉक्टर ने कपड़े धोने के वॉशिंग पाउडर से दांत चमकाने शुरू कर दिए। इतनी घटिया जगह है कि देरो हरम के जगह पे भी लोगों ने बम लगाए होते हैं। बेचारे जरदारी को प्रे करने के लिए इंडिया जाना पड़ता है। एक मिनट, तो क्या तुम क्या चाहते क्या हो कि यूएस तुमको पकड़ के ले जाए ताकि पाकिस्तान में ना रहना पड़े? भाई बिल्कुल ठीक सुमित, मैं कब से इंडिया के अगेंस्ट पब्लिक में स्पीचें दे रहा हूँ ये सोच के कि शायद उनके प्रेशर से मुझे इंडिया एक्सट्राडाइट कर दिया जाए। कसाब भाई देखो एकदम मस्त रह रहे हैं। अरे मस्त मतलब मोटा हो गया वो खा के, तुम भी खाओगे बिरयानी क्या? हाँ अच्छा एक मिनट, तो वो जो एंटी इंडिया स्पीचेस दी थी वो जानबूझकर हमें प्रोवोक करने के लिए दी थी? हाँ सुमित, हाँ जब से मैं छोटा था मैं चाहता था शेख वेरा की तरह मेरी भी हर पाकिस्तानी बच्चे की टी शर्ट पे फोटो हो। आज जैसे तुम्हारे पास क्या नाम है उसका वो रिंदम चौधरी है, मैं अपने मुल्क का number 1 पब्लिक स्पीकर हूँ। बेनजीर मुझसे अच्छी थी पर उसके साथ तो वो हो गया वो। लेकिन हमने तो सुना है कि ऐसा है तुम्हारी अच्छी खातिरदारी कर रहा, क्या घंटा ख्याल रख रही है? उन्हें एजेंट विनोद देख के इतना बड़ा सदमा लगा, उसमें ISI को इतना ताकतवर दिखाया है, वरना एक्चुअल में इनकी तो फटी पड़ी होती है। ऊपर से यहाँ रोज रोज के ड्रोन स्ट्राइक, अब तो बिजली जाने पर जनरेटर भी चलता है तो लोग भागने लगते हैं कि ड्रोन आ गया अटैक होगा। हम यूएस को बोलेंगे कि ड्रोन्स को थोड़ा साइलेंसर लगा के बनाए, मतलब इतना क्या शो ऑफ करना है ना। बिना साइलेंसर का ड्रोन। अच्छा सुना है कि तुम पाकिस्तान में एक चैरिटी भी चैरिटी चलाते हो क्या?
हाँ सुमित, हम यूथ के लिए काफी सारे प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे फुटबॉल स्टेडियम में औरतों पे पथराव, मूवी स्क्रीनिंग ऑफ ओसामा'स बेस्ट हिट्स, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वर्कशॉप्स लाइक फिक्सिंग चाइनीज सैटेलाइट फोन कि जब जिहाद खत्म हो तो लड़का नौकरीशुदा हो जाए। सुमित, अब जो है अब अगली जनरेशन के लिए ही है। हाँ अलविदा सुमित, बंकर खोलो। ओ लो, ये तो गया। लगा था कि यार बोलेंगे कि हमने देख लिया तो हमको $10 मिलियन मिलेंगे, कुछ खर्चा पानी निकलेगा कुछ। चलो ठीक है, आप लोग कहीं मत जाना भाई, इसकी तरह भाग के बाकी है अभी कोलकाता में 4G और आज का बूथनाथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल कहाँ देखने को मिलती है वाली स्टेप? क्या क्या करना पड़ता है यार इंटरनेट पे। हाय, वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। एयरटेल ने कोलकाता में 4G सर्विसेज लॉन्च कर दिए हैं। जी हाँ, नो पंचलाइंस रिक्वायर्ड। आइए इसके बारे में बात करते हैं एयरटेल के कोलकाता रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर दास से। मिस्टर दास, यू मस्ट बी वेरी हैप्पी दैट कोलकाता इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव 4G सर्विसेज, बट आपने 4G लॉन्च के लिए ये बंगाल को क्यों चुना? यू नो सुमित, कोलकाता वाज अ रियली ऑब्वियस चॉइस बिकॉज इट इज द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिटी इन द होल कंट्री। जो टेक्नोलॉजी कोलकाता में है वो और कहीं नहीं है, जैसे हैंडपुल रिक्शा, 1920 का ट्राम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीपल हु कैन कॉम्प्रीहेंड हमारे ममता दीदी। आप हमें ये बताइए, ये 4G टेक्नोलॉजी है क्या चीज? सुमित, 4G टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपना फोन और टैबलेट पे हाई स्पीड इंटरनेट पा सकता है। इट इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ 2G। दैट्स सम गुड ओल्ड फैशन बंगाली ह्यूमर देयर। कितना हाई स्पीड? सुमित, विद 4G यू कैन एक्सपेक्ट लाइटनिंग फास्ट इंटरनेट स्पीड अप टू 4 KB/s। ओह वाओ, 4 KB/s? अरे सुमित, कितना नाइव हो तुम। यू नो आवर पॉलिसी ना, व्हेन 3G केम आउट यू गॉट अप टू 3 KBPS, विद एवरी जनरेशनल लीप वी इंक्रीज द स्पीड बाय 1 KBPS। दीज आर नेवर बिफोर इंटरनेट स्पीड फॉर पीपल ऑफ बंगाल। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अरे ये बहुत ही लो है ओए। मुंबई में मेरा लोकल केबल वाला मुझे 512 KBPS की स्पीड तो मिनिमम देता ही है। अगर इससे ज्यादा स्पीड हमने एक्टिवेट किया तो स्टेट में बैठा नक्सलवादी हमारा इंटरनेट यूज करके हमारा अगेंस्ट प्लान करेगा अटैक। वैसे भी उनके पास हमारे से बेटर गन्स और इंटेलिजेंस है। वेरी गुड, हम उन्हें हाई स्पीड इंटरनेट क्यों दें? अरे लेकिन आपको इतना ही प्रॉब्लम है हाई स्पीड इंटरनेट से, तो आपने सर्विस शुरू ही क्यों की बोका? ऑनेस्टली सुमित, हमें ये रिक्वेस्ट वेस्ट बंगाल असेंबली का स्पीकर से आया था। बंगाल के मिनिस्टर भी अपने कर्नाटका के भाइयों की तरह बिना बफर करके पॉन्ड देखना चाहते थे। अब हम सिर्फ एक बिल्डिंग के लिए तो कनेक्शन दे नहीं सकता, इसलिए पूरा स्टेट को ही देना पड़ा। ममता दीदी को पता है इसके बारे में? जी हाँ सुमित, ममता दीदी का कहना है कि पॉन्ड के बहाने MP एटलीस्ट असेंबली तो आएगा। मगर मैं सच बोलूं तो हमें थोड़ा डर लग रहा है, अगर उन्होंने रोल बैक करने का बोल दिया तो सारा 4G टावर गुजरात में जाके लगाना पड़ेगा। आप भी खूब दुष्टू चले, खूब दुष्टू। आमी दीदी के बोले देते। दया करो, ऐसा मत करना सुमित। ना चल बे, ना चल बे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड दीदी, वेरी गुड। बाकी अभी सॉरी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बाकी अभी आज का भूतनाथ, तब तक बजाइए।
पहले अमिताभ बच्चन साहब को रिसेंटली मैगी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जी हाँ, अब जितनी देर में आप किचन में जाके मैगी बनाएंगे तब तक उनके सुपुत्र की पिक्चर हॉल से निकल भी चुकी होगी। सीरियसली आई वंडर बच्चन साहब को ये टू से क्या ऑब्सेशन है? पहले वो जिंदगी के दो बूंद पिलाते फिरते थे, अब टू मिनट में लंच। बट आई वुड बी सरप्राइज अगर बच्चन साहब के कारण अब मैगी की फैक्ट्री भी गुजरात में रीलोकेट हो जाए। पूरा बच्चन परिवार इतना कुछ एंडोर्स करता है कि उनको घर में राशन लाने की वैसे जरूरत नहीं है। मैगी, पेन रिलीफ क्रीम, शूटिंग शर्टिंग, वॉचेस, मोबाइल फोन कनेक्शंस, ज्वेलरी, कार्स, पेन्स, स्टेशनरी, साइकिल्स, ऐश्वर्या का बेबी प्रोडक्ट्स एंडोर्स करना रह गया है। And the entire house can run only on endorsements. Endorsement और product की बात चली है तो आपने कुछ दिनों से एक अजीब product की ad TV पे देखी होगी। Yes, वही private parts वाली। Recently एक lifestyle brand ने एक cream निकाली है that is meant to provide fairness to female genitals. Yes, they actually wanted to make a चूतिया product. जी हाँ, हमारा गोरा होने का इतना क्रेज है कि अपने जेनिटल्स को भी हमने नहीं छोड़ा है। मैं ऐसा थोड़ी कि लगा कि आप पूरी दुनिया को दिखा के घूमोगे। तो फिर क्या जरूरत है भाई? अच्छा, वेल इंस्टेड ऑफ हियरिंग माय ओपिनियन लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट टू सी व्हाट द आम जनता हैज टू से अबाउट दिस क्रीम। आइए। हाउ आर वी गोना फाइंड आउट दैट दिस क्रीम वर्क्स एनीवे? Not like Indian women shave down there. Yeah. Genital fairness cream ho ya na ho, I'll be happy as long as any woman is willing to have sex with me. Does anyone know anyone? Please add me on coolsunnyforyou@yahoo.com. Please. How can we allow a company to bring such a sexist and patriarchal product in the market? Have you ever asked men to apply fairness creams around their genitals? We demand a complete ban on this product. Or at least put Arundhati Roy's photograph on the packet so that people think twice before buying it. Disgusting it is. Disgusting. I am fully supportive of this cream. All my life I wanted to be with white woman. Abhi ye le ja ke apni wife ko dunga. So that I get feeling that I am sleeping with foreigner. Thank you, sir. Thailand ki ticket ke paise bach gaye. Why would I want to use this cream and make my package look smaller? Seriously, coolsunnyforyou@yahoo.com. I have tried Axe and I'm willing to try this fairness cream also. Please, please. तू फिर घुस गया यहाँ से? यहाँ कहाँ से आया? होमपर कौन बनाएगा? चल। तो ये था आज का भूतनाथ और आज का जय हिंद। एंड आई होप आप लोग हमारा टीवी अवतार भी देख रहे होंगे ऑन कलर्स एवरी सैटरडे एंड संडे 11 PM एज द लेट नाइट शो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और क्या नहीं भी दोगे तो मैं कौन सा यहां खड़ा रहने वाला हूं भाई।